वॉच करो और सॉल्व करो, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें एक पार्टिकल कहता है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग द मोशन, और वो मोशन वन डायमेंशनल मोशन है, ऐसा क्वेश्चन में बताया जा रहा है। और जो है वेलोसिटी है वो टाइम का फंक्शन नहीं है यार, इंटरेस्टिंग बात है, वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है, और अल्फा बीटा जो भी है, बीटा और एन कॉन्स्टेंट है। तो कहता है एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्सलेशन ऑफ पार्टिकल इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो चलो ये एक लगभग लगभग नीट वालों को ये डाउट आता ही है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसमें जो पहले मैं लिखता हूँ, जो वेलोसिटी है, देखो जो वेलोसिटी है वो बीटा एक्स की पावर -2n के इक्वल है। ये अब हम लोगों को निकालना है एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल एज ए पोजिशन डिपेंडेंट। तो वेलोसिटी से एक्सलेशन कैसे निकालेंगे यार, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, वेलोसिटी को। डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अगर मुझे एक्सलेशन चाहिए तो एक्सलेशन मैं dv/dt लिखता हूँ, लेकिन याद करो एक्सलेशन का एक और फार्मूला है, वो पोजीशन डिपेंडेंट है, dv/dx। तो इसमें से कौन लगेगा अभी, क्या पहला लगेगा? नहीं, पहला तब लगता जब टाइम डिपेंडेंट होती वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी पोजीशन, एक्स वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट है, तो मैं एक्सलेशन इस वाले से निकालूंगा यार, ठीक है ना। चलो ये कहाँ से आया वो थ्योरिटिकली में हम लोग डिस्कस किए हैं। चलो तो यहाँ से अगर मैं एक्सलेशन लिखूंगा तो एक्सलेशन ए बी और dv/dx, ठीक है, bv/dx। तो v और d/dx, ठीक है, v की वैल्यू डाल दो, v की वैल्यू कितना है, बीटा एक्स की पावर -2n, आता ना इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इधर मिलेगा v, इधर मिलेगा -2n, और बीटा और एक्स की पावर -2n -1, ऐसे ही डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन अभी भी एक्सलेशन जो दिख रहा है उसमें वेलोसिटी है यार, तो वेलोसिटी को कैसे रिमूव करोगे, पोजीशन लाना है, पूरा कहाँ जाना है, पोजीशन लाना है इधर, तो पोजीशन लाएंगे तो वेलोसिटी को हटाएंगे, तभी तो पोजीशन लाएंगे यार। तो वेलोसिटी को उठा के यहाँ से रख दो, अगर उठा के यहाँ से रख दोगे डायरेक्ट वेलोसिटी को तो पोजीशन दिखने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह आ जाएगा बीटा, बीटा एक्स की पावर -2n, और -2n हमारे डिफरेंशिएशन से आया था, और ये बीटा और एक्स की पावर -2n -1, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसी को हम फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो -2n और ये बीटा का स्क्वायर, -2n बीटा का स्क्वायर और एक्स की पावर -4n -1, दिस इज द फाइनल एक्सलेशन, इज द पोजीशन डिपेंडेंट। अब देखो बाकी सारे कांस्टेंट है और एक्सलेशन पोजीशन डिपेंडेंट है, मतलब -2n बीटा एक्स की पावर -4n -1, मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन सही है। दो डी है, ये वाला ऑप्शन ये अपना करेक्ट है ना, क्लियर, इंटरेस्टिंग।